अब हम देखेंगे ग्राफ्स जो स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, ना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है. बिकॉज एक कहावत है, देखिए, वन पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स. वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स. तो हम 1000 वर्ड्स सुनने से अच्छा है एक पिक्चर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है. तो स्टैटिस्टिक्स में डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग ग्राफ्स, तो अब हम वो देखेंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हैं, तो वन बाय वन हम चालू करेंगे. तो इसमें देखेंगे, पहले लिस्ट कर लेंगे कौन सा ग्राफ है. तो इसमें आएंगे लाइन ग्राफ्स, लाइन ग्राफ. उसके बाद है स्कैटर प्लॉट, फिर बार ग्राफ, बार्स में रिप्रेजेंट करने का. फिर है पाई चार्ट और पाई ग्राफ. बाद में आएगा हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अभी हम फिलहाल अभी ये छः ग्राफ ही देखेंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो पहला हम लाइन ग्राफ देखेंगे. तो अब हम हमारे एग्जांपल में हमें क्या लेंगे, एक एम्प्लॉय का सर्विस और उसका सैलरी देखेंगे कैसा रहेगा. सपोज ये है लाइन ग्राफ, एक एम्प्लॉय है, इस एक्सिस में हम लेंगे उसके सर्विस इन ईयर्स. तो इतना साल सर्विस कर रहे हो, 5 ईयर्स, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ईयर्स सर्विस. और उसका सैलरी 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 5, 10, 20 और ये 25, दिस इज इन लैक्स. तो ये लैक्स में है और ये ईयर्स में. अब देखिए उसका सैलरी तो ईयरली बढ़ते जाएगा लीनियरली, तो ये कुछ इस तरह से आएगा करो. तो स्टार्टिंग में उसको जब 5 साल सर्विस होते हैं उसका पैकेज कुछ 4 लाख का रहेगा. दिस इज इन पर एनम, मीन्स सालाना उसका इनकम एम्प्लॉय का. तो जैसे जैसे उसका सर्विस बढ़ता जाएगा, जैसे वैसे वैसे उसका सैलरी बढ़ता ही जाएगा. तो ये लाइन ग्राफ में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम स्कैटर प्लॉट में देखेंगे. इसी में इस ये एक्सिस को मैं क्या करूँगा, प्रमोशन के लेवल बना दूंगा. दैट इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5. अभी इतने सारे लेवल्स हैं. अभी इनका देखिए वही 35 ईयर सर्विस होगा, इनको 10 साल में एक प्रमोशन मिलेगा, फिर 20 साल में एक लेवल 2 का प्रमोशन मिलेगा, फिर 30 साल में एक लेवल 3 का प्रमोशन मिलेगा. हो गया. अगर अभी कोई दूसरा एम्प्लॉय है उसको 5 साल में एक प्रमोशन मिला, 10 साल में एक प्रमोशन मिल गया, 15 साल को तीसरा, ठीक है, 20 साल को चौथा, हर 5 साल में इनको प्रमोशन मिल रहा है. और इनको तो 25 साल सर्विस में पूरा टॉप मैनेजमेंट हो जाएंगे और ये नीचे ही रह जाएंगे. तो स्कैटर इसमें हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इसको कहेंगे हम स्कैटर प्लॉट. अब हम देखें
बार वाला, बार ग्राफ, बार ग्राफ किस तरह होता है, इसमें हम देखेंगे। वही एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के एम्प्लॉयज़ हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, लेवल फाइव। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका सीनियरिटी बढ़ रही है। तो लेवल वन में क्या होता है, यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग रहेंगे, तो ये होगा उनका काउंट। तो ये 50, 100, 150, 200, 300, 200, 250, 300 और ये 350 कुछ इस तरह। सो पहला लेवल में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सेकेंड लेवल में कुछ कम एम्प्लॉयज़ हैं, थर्ड लेवल में और भी कम एम्प्लॉय रहेंगे, टॉप मैनेजमेंट में थोड़ा कम रहेंगे और पूरा टॉप में बहुत ही कम रहेंगे। तो ये बार ग्राफ में हम इस तरह से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक देखेंगे हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम में इसका इम्पोर्टेंट क्या है, जब हमने बार ग्राफ में देखा था जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, मीनिंग ये जो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, तो उसे हमें पता लग जाता है, तो उसका काउंट, उसका वैल्यू जो है वो भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, यानी फ्रिक्वेंसी, वो जो वेरिएबल का फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ता जाएगा, यानी इसका एरिया और फ्रीक्वेंसी है ना प्रोपोर्शनल है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे हम। और जो एक्स एक्सिस में जो है वो है इंटरवल, एक एग्जांपल लेंगे हम हिस्टोग्राम के लिए। अभी देखिए वही ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का हाइट ले लेंगे, ये है 150 सेंटीमीटर, 155, 160, 165, 170, 175, 180, ठीक है, ये दिस इज एम्प्लॉय का हाइट इन सेंटीमीटर में है। और उनका काउंट 150 हाइट वाले कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, 150 टू 155 के बीच में कुछ इतना एम्प्लॉयज़ है, ये काउंट दे देंगे 50, 100, 150, 200, और 155 टू 160 के बीच के जो हाइट वाले लोग हैं वो कुछ इतने लोग हैं, 100 लोग हैं, और 160 टू 165 के बीच में वो भी कुछ 100 से ज़्यादा ही है, और 165 टू 70 वो कुछ ज़्यादा रहेंगे, और 170 टू 175 कुछ कम रहेंगे, और ये हट गए और भी कम रहेंगे। तो ये हुआ हिस्टोग्राम। और जो एक्स, ये इसे ये एक्सिस को बोलेंगे हम इंटरवल, और ये जो है फ्रीक्वेंसी, यानी इतने हाइट के, इतने हाइट के लोग कितने हैं, यानी काउंट है ये फ्रीक्वेंसी। अगर हम हिस्टोग्राम के हर एक रेक्टेंगल के जो सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये बनेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसे हमें पता लग जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, सो जो कौन सा नंबर कितने टाइम के लिए अकर हो रहा है, तो इसीलिए हमें इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हम पाई चार्ट देखेंगे। पाई चार्ट, इसको पूरा एक सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कल हमें पता है एरिया, सर्कल का पूरा एंगल है 360 डिग्री, ओके। अभी ये जो सर्कल को क्या सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाएगा, डिपेंड ऑन द कोई भी एक्सपेंडिचर हो, जो डाटा हम इसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो डाटा को सेक्टर्स में
डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेटा को विथ उनका जो डेटा का साइज है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगल एंगल इन द एरिया. एक एग्जांपल से इसको समझेंगे. सपोज एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का जो खर्चा ना उसका ले लेंगे हम. एक एम्प्लॉय जो है वो अपना 30% सैलरी ईएमआई में देता है, यानी लोन चुकाने में जाता है उसका, और बचा जिसमें उसमें और 30% ग्रॉसरी के लिए जाएगा, यानी घर के सामान के लिए, और 10% वो सेविंग करेंगे, यानी इंश्योरेंस, पेंशन सेविंग्स, और जो 20% है वो कुछ एंटरटेनमेंट, शॉपिंग्स, ट्रैवलिंग, उसके लिए स्पेंड करेंगे 20%, और जो 10% है वो बचा के रखेंगे कुछ अदर्स के लिए, दूसरे काम के लिए. तो कितना हो गया देखिए, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. तो ये हो गया 100%. ये 100% को हमें रिप्रेजेंट करना है. अभी देखिए सर्कल है, अभी सर्कल में, सर्कल को और एक बार ड्रॉ करेंगे. सर्कल है, टोटल एंगल ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री है, यानी ये हो गया 100%. अब मुझे उसमें 30% निकालना है. 30% कितना होगा? अभी देखिए 360 डिग्री जो है वो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर 36 डिग्री कितना रिप्रेजेंट करेगा? वो 10% रिप्रेजेंट करेगा. अब मुझे ना 30% दिखाना है, तो 36 3 जा 108 हो जाएगा. तो 108 जो है वो ईएमआई के लिए आ जाएगा. अभी इसको ऐसा ड्रा करूँगा तो 90 हो जाएगा, तो थोड़ा 90 से भी ज़्यादा है ये. तो ये बन गया 108 डिग्री. तो ये है ईएमआई. नेक्स्ट फिर 30% जो है ग्रॉसरी के लिए जाता है, तो वो भी 108 डिग्री में बनेगा. यानी अभी देखिए अगर स्ट्रेट लाइन डालूँगा तो 180 होगा, तो इसे भी ज़्यादा आएगा थोड़ा, ठीक है. और ये बन गया ग्रॉसरी, तो ये भी 108 डिग्री हो गया. नेक्स्ट जो है 10% सेविंग के लिए है. 10% है ना, 10% ऑफ 360 डिग्री, 36 डिग्री, या जूम कर लीजिए 36 डिग्री है, 36 डिग्री. और ये है सेविंग्स, और 20% है एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग प्लस ड्रेस खरीदने के लिए. तो 20% ये हो गया 20% यानी 72 डिग्री. तो ये हो गया उनका एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, ड्रेस खरीदने के लिए, और बचे जो 10% है यानी 36 डिग्री वो हो गया अदर्स के लिए, बचा के रख रहे हैं. अब देखिए जितने भी उन्होंने डेटा दिया वो डेटा को हमने एक सर्कल में फिट किया, ताकि जो भी वो वैल्यू देते हैं ना उसको हम क्या करेंगे, पहले वो सब एज ए 100% ले लेंगे उन सब चीज़ों को, देन उसको प्रोपोर्शनली में सर्कल में डिवाइड करके रखे डिवाइड करेंगे. तो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो सर्कल का जो कंप्लीट जो एंगल है दैट इज़ वो है 360 डिग्री, वो इक्वल टू 100%. अभी इसे हमें कितना परसेंट में ये करना है, लाइक इसे चाहिए हमें एक्स डिग्री इक्वल टू वाई परसेंट. जो हम अभी 30% इसको असाइन कर रहे हैं तो कितना होगा देखिए, डिग्री हमें कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 360, ओके 360 इंटू वाई डिवाइड बाई 100. अभी वाई जो है वो 30% है,
इसको हम ऐसा लिखेंगे 360 इंटू 30% में चाहिए तो डिवाइड बाय 100, ये 0 0 गया, 0 0 गया, 36 थ्री जा 108। तो इस तरह से भी हम कितना इतने प्रोपोर्शन को कितना एंगल असाइन किया जाता है हम इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया पाई चार्ट।